फ्रेंड्स ये है आपकी कोडिंग फॉर्म, इसमें आपको कोड दिए होंगे जैसे पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू, एट द रेट मीन्स पी स्मॉलर नहीं है, छोटा नहीं है क्यू से, अगर छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, इसका मतलब पी ग्रेटर देन क्यू होगा। नेक्स्ट है पी हैश क्यू, पी इज नॉट ग्रेटर देन, पी बड़ा नहीं है क्यू से, अगर बड़ा नहीं है या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा, इसका मतलब पी या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा, तो मतलब पी लेस देन इक्वल टू क्यू होगा। नेक्स्ट है परसेंटेज, पी परसेंटेज क्यू, पी इज नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल, पी ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, अगर बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो फ्रेंड्स छोटा होगा, इसका मतलब पी लेस देन क्यू होगा। नेक्स्ट है पी स्टार क्यू, पी इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन क्यू, पी ना तो स्मॉलर है क्यू से ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, तो फ्रेंड्स ना बड़ा हो ना छोटा हो इसका मतलब बराबर है तो इक्वल है। सेम पी इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल क्यू, पी ना तो छोटा है स्मॉल है और ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब ना छोटा है ना बराबर है तो बड़ा है, पी ग्रेटर देन क्यू होगा। फ्रेंड्स स्टेटमेंट दी है एम परसेंटेज आर हैश टी स्टार एन, तो फ्रेंड्स पहले हम इसे सिंपल लिखेंगे एम, एम परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब लेस देन, इसका मतलब एम लेस देन आर होगा, फिर हैश का मतलब लेस देन इक्वल टू टी और स्टार का मतलब इक्वल टू एन, तो फ्रेंड्स इसे भी हम इसे हम देखेंगे एन स्टार आर, स्टार का मतलब है इक्वल टू, यानी कि एन इक्वल टू आर, या फिर हम इसे आर करके लिख लेंगे एन इक्वल टू आर। नेक्स्ट में लिख लेते हैं परसेंटेज का, परसेंटेज का है लेस देन, तो एन लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन टी, तो परसेंट डॉलर का है फ्रेंड ग्रेटर देन, तो एन ग्रेटर देन एम। अभी फ्रेंड हम चेक करते हैं एन इक्वल टू आर, एन और आर के बीच सबसे पहले हम फ्लो चेक करेंगे, फ्लो बिल्कुल है, अब इक्वल इक्वल जाने की प्रजा बैठी है, लेकिन एन और आर के बीच प्रजा भी है सेनापति भी है, परंतु जब सेनापति होगा तो शासन सेनापति का चलेगा, प्रजा शासन नहीं करती, तो ये आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड टी ग्रेटर देन एन, टी ग्रेटर देन एन, टी इक्वल टू एन है, यानी कि टी और एन के बीच सिर्फ प्रजा है, लेकिन जहां पे टी ग्रेटर देन एन यानी कि टी और एन के बीच जहां पे किंग बैठा है, लेकिन घर में देखा जाए तो किंग नहीं है सिर्फ प्रजा बैठी है, तो जब किंग नहीं है तो शासन कर नहीं सकता किंग, तो फ्रेंड्स ये भी फॉल्स हुआ। नेक्स्ट देखिए एन ग्रेटर देन एम, एन ग्रेटर देन एम, फ्रेंड सबसे पहले एन और एम का फ्लो चेक करना है, एन और एम में फ्लो बिल्कुल है, और अब एन और एम में सबसे पहले किंग देखना है सेनापति देखना है और प्रजा देखनी है, तो प्रजा भी है सेनापति भी है किंग भी है, तो फ्रेंड जब घर में किंग होगा तो शासन हमेशा किंग का ही चलेगा, तो जहां पर भी एन ग्रेटर एम है तो एन ग्रेटर एम यानी कि किंग बैठा है तो शासन किंग का ही चलेगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स जे हैश एन के एट द रेट एन टी डॉलर के, तो फ्रेंड सबसे पहले हम इनके कोड जानेंगे, जे हैश हैश का कोड है लेस देन इक्वल टू, तो फ्रेंड्स जे लेस देन इक्वल टू एन बन जाएगा। नेक्स्ट के एट द रेट एन, एट द रेट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू एन आएगा, और टी डॉलर का बनेगा ग्रेटर देन, तो टी ग्रेटर देन के, तो फ्रेंड्स पहले हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा जे लेस देन इक्वल टू एन, अब एन लेस देन इक्वल टू है के से, तो एन लेस देन इक्वल टू के, फिर टी ग्रेटर देन के, तो मतलब के लेस देन टी होगा। फ्रेंड्स अब इसके कोड जानेंगे, तो जे परसेंटेज है टी, तो परसेंटेज का कोड है लेस देन, यानी कि जे लेस देन टी। नेक्स्ट है टी
डॉलर का कोड है ग्रेटर देन, तो टी ग्रेटर देन एन, नेक्स्ट है एन एट द रेट ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू जे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले टी ग्रेटर देन जे फ्रेंड्स, पहले टी और जे का फ्लो देखना है, फ्लो बिल्कुल बन रहा है। तो इसमें सेनापति और किंग बैठा है, तो सेनापति और किंग बैठा होगा तो शासन करेगा किंग। तो फ्रेंड्स टी ग्रेटर देन जे, किंग ही है शासन कर रहा, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टी ग्रेटर देन एन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम फ्लो चेक करेंगे टी और एन के बीच, फ्लो बन रहा है, सेनापति और किंग बैठा है, तो शासन कौन करेगा, किंग, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है एन ग्रेटर देन इक्वल टू जे, एन और जे के बीच सेनापति बैठा है, तो एन और जे के बीच सेनापति बैठा है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू जे, एन ग्रेटर देन इक्वल टू जे, बिल्कुल सेम। तो फ्रेंड्स जे भी सही। फ्रेंड्स जे थी आपकी सेकंड टाइप कोडिंग फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आइदर केस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।